नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, RPSC सेकेंड ग्रेड भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। दोबारा सिलेबस को जारी करने को लेकर और नॉर्मलाइजेशन करने को लेकर दोस्तों आप सबके लिए RPSC की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, 17 दिसंबर से सेकेंड ग्रेड की एग्जाम स्टार्ट हो रही हैं और इसमें दोस्तों क्या क्या बदलाव आपको इस बार देखने को मिलेगा। 5% की जो छूट का मामला है दोस्तों, वो भी सामने आ रहा है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जितनी भी भर्ती कराई जाती है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती, सेकंड ग्रेड की भर्ती या फिर दोस्तों अन्य भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड भर्ती की आपको लेटेस्ट न्यूज़ आपको चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में दिव्यांगों को 5% आरक्षण का मामला है। 7 लाख छात्रों को सीधा सीधा इसमें फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पहले RPSC ने जो वरिष्ठ अध्यापक या सेकेंड ग्रेड की जो भर्ती है दोस्तों, उसमें 5% की आरक्षण की छूट दे दी गई थी। उस पर दोस्तों साफ तौर से मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसमें जो है संशोधन किया गया और RPSC ने स्पष्ट आदेश जारी किए गए थे जिसमें दिव्यांगों में आक्रोश था। और दैनिक भास्कर ने कल 2 मई को इस मामले को खबर प्रकाशित भी की थी। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, सेकेंड ग्रेड की जो भर्ती में दिव्यांगों को 5% का आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि आपको न्यूनतम जो प्रत्येक प्रश्न में 40% नंबर लाने होते हैं, वहां पर अगर आप 35% भी नंबर लाते हो दोस्तों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी गई, लेकिन दिव्यांगजनों को ऐसा कोई छूट नहीं दी गई थी। लेकिन राजस्थान निःशक्त जन नियम में यह प्रावधान है कि जिन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने होंगे, उन परीक्षाओं में 5% की छूट दी जाएगी। अब RPSC ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नोट जारी करके यह कहा है कि भूतपूर्व सैनिकों के दिव्यांगजनों को नियमानुसार आयोग की सभी परीक्षाओं में न्यूनतम अंक में छूट दी जाएगी, यानी कि एक्सर्विसमैन और दिव्यांग। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 7 लाख छात्रों को सीधा सीधा इसका फायदा होगा दोस्तों। एग्जाम डेट के हिसाब से आप अभी से तैयारी करें, एग्जाम डेट आ चुकी है आपकी, ये देख सकते हैं, 17/12/2022 से 24/12/2022 तक एग्जाम चलेंगी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की दो एक पद के लिए 125 छात्र रहेंगे दौड़ में शामिल। RPSC के 97,760 पोस्ट दी, 12.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अभी इसमें संशोधन का मौका भी दोस्तों आपको इसमें दिया जाएगा। जो स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि सर संशोधन हम कब कर सकते हैं, तो उसकी एक लिंक आएगी, एक बार ही आपको संशोधन का आयोग है वो मौका देगा। ये देख सकते हैं, आयोग एक बार आपको संशोधन का मौका देगा। यहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं अगर आपसे कोई गलती हो गई दोस्तों, और उसको सुधार कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। RPSC एक बार ही संशोधन का मौका देती है। एक से अधिक चरण में हो सकती है भर्ती परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, एक से अधिक चरण यानी कि एक से अधिक पारियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें नॉर्मलाइजेशन साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा, RAS भर्ती की तरह या फिर SI भर्ती की तरह। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी जो बात थी दोस्तों, वो मैंने आपको स्पष्ट कर दी है। वही अगर आप बात करूँ दोबारा सिलेबस को जारी करने को लेकर, तो 9 से 12 का जो पाठ्यक्रम को शामिल नहीं किया गया है आयोग ने, जो कि चयन के बाद 9 से 12 को ही अध्यापन करवाना होता है। जो छात्र इसमें फॉर्म भरेंगे वो 9 से 12 तक के बच्चों को ही पढ़ाते हैं, इसीलिए अभ्यर्थियों ने निराशा है। आयोग से इस महत्वपूर्ण बाकुपने पाठ्यक्रम में जोड़ने को लेकर और सिलेबस को दोबारा से संशोधित करके जारी करने को लेकर भी छात्र मांग कर रहे हैं। जल्दी ही आपकी इस पर भी सुनवाई होगी दोस्तों, और RPSC नोटिस जारी करेगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, RPSC की लेटेस्ट न्यूज आपको चैनल मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।